नमस्कार दोस्तों, वन इंडिया में आप सभी का स्वागत है। रॉबिन उथप्पा ने आईपीएल करियर में 4,500 रन बनाने में सफलता हासिल कर ली। ऐसा करने वाले वो छठे भारतीय भी बने, वहीं आईपीएल के इतिहास में ऐसा कमाल करने वाले हुए 90वें बल्लेबाज भी बन गए। रॉबिन उथप्पा ने 177वीं पारी में ये कमाल कर दिखाया। बता दें, इस आईपीएल में पहली बार उथप्पा फॉर्म में बल्लेबाजी करते दिखे। उथप्पा ने बेंगलोर के खिलाफ 22 गेंदों पर 41 रनों की पारी खेली और अपनी पारी में उन्होंने 7 चौके और 1 छक्का भी जमाया। अपने बल्लेबाजी के दौरान उन्होंने गेंदबाज वॉशिंगटन सुंदर के 1 ओवर में 18 रन बटोरे। उथप्पा को चहल ने कैच आउट कराकर पवेलियन की राह दिखाई। बेंगलोर के खिलाफ उथप्पा और बेन स्टोक्स ने ओपनिंग करने के दौरान 50 रनों की पार्टनरशिप करने में भी सफलता हासिल की। आपको बता दें, इस सीजन रॉबिन उथप्पा पहली बार राजस्थान की तरफ से ओपनिंग करने उतरे और पहली ही पारी में 22 गेंदों पर 41 रन ठोक डाले और राजस्थान को एक अच्छी शुरुआत दिला दी। आपको बता दें, उथप्पा आईपीएल में 4,500 रन पूरे करने वाले 9वें बल्लेबाज हैं। उनसे पहले विराट कोहली, रोहित शर्मा, सुरेश रैना, शिखर धवन और एमएस धोनी ये कारनामा कर चुके हैं। इस आईपीएल में उथप्पा का फॉर्म बेहद ही खराब चल रहा था, लेकिन इस मैच में बतौर ओपनर शानदार बल्लेबाजी करने में वो सफल रहे। उथप्पा को चहल ने कैच कराकर पवेलियन भेजा। बता दें, बैंगलोर के खिलाफ राजस्थान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था। प्लेऑफ की रेस में बने रहने के लिए राजस्थान को यह मैच जीतना काफी अहम था। एक भी मैच में हार के लिए प्लेऑफ में पहुंचने के दरवाजे बंद हो सकते हैं। इस मैच में उन्होंने 22 गेंदों पर 41 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली और टीम को एक शानदार शुरुआत दिलाई। उथप्पा मैच के 8वें ओवर की 4थी गेंद पर युजवेंद्र चहल की गेंद पर एरोन फिंच के हाथों कैच आउट होकर पवेलियन लौटे। उथप्पा के आईपीएल करियर की बात करें तो अब तक 184 मैचों की 177 पारियों में 28.34 की औसत से 4,535 रन उथप्पा ने बनाए हैं। इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 130 का रहा है, जबकि उनका सर्वोच्च स्कोर 87 है। उन्होंने अपनी पारी में कुल 24 अर्धशतक लगाए और उनके बल्ले से 449 चौके और 159 छक्के भी निकले हैं। आपको बता दें, राजस्थान रॉयल्स के लिए आईपीएल का 13वां सीजन कुछ खास नहीं रहा। टीम लगातार मैचेस हारती चली गई और 7वें स्थान पर अंक तालिका में बनी हुई है। राजस्थान रॉयल्स ने अब तक खेले गए 8 मुकाबले में 5 जीते हैं, वहीं 3 हारे हैं। टीम के 6 अंक हैं। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की, तो बैंगलोर ने 8 मुकाबलों में 5 जीते हैं, वहीं 3 हारे हैं और टीम 10 अंकों के साथ अंक तालिका में तीसरे नंबर पर बनी हुई है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। तमाम स्पोर्ट्स अपडेट के लिए बने रहे वन इंडिया के साथ।